नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है, आप दी ललन टॉप देख रहे हैं। लड़काई को प्रेम कहो वाली कैसे छूटे, ये जबान कई लोगों को समझ में नहीं आएगी। ठेठ लहजे में बता देता हूँ, जवानी के दिनों में जब यारियों के बीच अपने हिस्से की कहानियाँ बुनने का वक्त होता है, तब कुछ कविताएँ हैं, कुछ पंक्तियाँ हैं जो आपको सहारा देती हैं। जेएनयू के दिनों में हमारी मुलाकात ऐसी ही एक कविता से हुई। उस कविता को रचा था पोलिश यानी कि पोलैंड की रहने वाली कवियत्री ने, जिनका नाम है विसाव शिम्बोश्का। इनको नोबेल प्राइज भी मिला है। कमाल की कविताएं हैं। हमने हिंदी में अनुवाद पढ़ा था, फिर हमारी किताब गई खो, और पिछले दिनों जो पुस्तक मेला हुआ उसमें किताब वापस से मिल गई तो हम दो उपलब्ध कॉपियाँ ले आए और उसमें सबसे पहले अपनी सबसे प्यारी और पुरानी कविता पढ़ी, और फिर हमें लगा कि ये कविता जो कॉल है आपको दिया उसके मुताबिक आपके सामने भी बांचना जरूरी है। इसलिए एक कविता रोज में आज सच्चा प्यार। ये सच्चा प्यार कविता बीतती सदी में नाम के कविता संग्रह से ली गई है और इसे संवाद प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। अब पाठ शुरू करते हैं। सच्चा प्यार, क्या वह नॉर्मल है? क्या वह उपयोगी है? क्या इसमें पर्याप्त गंभीरता है? भला दुनिया के लिए वे दो व्यक्ति किस काम के जो अपनी ही दुनिया में खोए हुए हों, बिना किसी खास वजह के एक ही जमीन पर आ खड़े हुए हैं ये दोनों। किसी अदृश्य हाथ ने लाखों करोड़ों की भीड़ से उठाकर अगर इन्हें आसपास रख दिया तो ये महज एक अंधा इत्तेफाक था, लेकिन इन्हें भरोसा है कि इनके लिए यही नियत था। कोई पूछे कि किस पुण्य के फलस्वरूप, नहीं नहीं, न कोई पुण्य था न कोई फल है। अगर प्यार एक रोशनी है तो इन्हें ही क्यों मिली, दूसरों को क्यों नहीं? चाहे कुदरत की ही सही, क्या ये नाइंसाफी नहीं? बिल्कुल है। क्या ये सभ्यता के आदर्शों को तहस नहस नहीं कर देंगे? अजी कर ही रहे हैं। देखो किस तरह खुश हैं दोनों। कम से कम छिपा ही लें अपनी खुशी, हो सके तो थोड़ी उदासी ओढ़ लें, अपने दोस्तों की खातिर ही सही। जरा उनकी बातें तो सुनो, हमारे लिए अपमान और उपहास के सिवा क्या है? और उनकी भाषा, कितनी संदिग्ध स्पष्टता है उसमें। और उनके उत्सव, उनकी रस्में, सुबह से शाम तक फैली हुई उनकी दिनचर्या, सब कुछ एक साजिश है पूरी मानवता के खिलाफ। हम सोच भी नहीं सकते कि क्या से क्या हो जाए अगर सारी दुनिया इन्हीं की राह पर चल पड़े। तब धर्म और कविता का क्या होगा? क्या याद रहेगा? क्या छूट जाएगा? भला कौन अपनी मर्यादाओं में रहना चाहेगा? सच्चा प्यार, मैं पूछती हूं, क्या यह सचमुच इतना जरूरी है? व्यावहारिकता और समझदारी तो इसी में है कि ऐसे सवालों पर चुप्पी लगा ली जाए, जैसे ऊंचे तबकों के पाप कर्मों पर खामोश रह जाते हैं हम। प्यार के बिना भी स्वस्थ बच्चे पैदा हो सकते हैं, और फिर ये है भी इतना दुर्लभ कि इसके भरोसे बैठे रहो तो ये दुनिया लाखों बरसों में भी आबाद ना हो सके। जिन्हें कभी सच्चा प्यार नहीं मिला, उन्हें कहने दो कि दुनिया में ऐसी कोई चीज होती ही नहीं। इस विश्वास के सहारे कितना आसान हो जाएगा उनका जीना और मरना।